हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं स्नेहा। आज देखिए मेरे गार्डन में टिकोमा में बहुत कम फ्लावर्स हैं। इनके भी देखिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी अच्छा ग्रीन लुक दे रही है और यहाँ पे नई नई कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये देखिए खूब सारी ढेरों कलियाँ बन रही हैं, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाले हैं प्लांट्स। देखिए यहाँ पर फिर से कलियाँ बननी स्टार्ट हो रही हैं और कुछ थोड़े थोड़े फ्लावर आ रहे हैं इनमें। ये देखिए यहाँ पर, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए एक मेरा मैक्सिकन पिटूनिया अपने आप ही सीड से पता नहीं कहाँ से ग्रो हो गया, और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। बिल्कुल इसी के टिकोमा के जो बकेट है उसी में ये अपने आप ग्रो हुआ है। मैं इसको सोच रही थी निकाल दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसकी भी रूट्स फैलती हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट भी घना हो जाता है, तो मैं बाद में इसको निकाल कर कहीं अलग से लगा दूँगी। वैसे मेरे पास मैक्सिकन पिटूनिया के यही वाले कलर बहुत सारे प्लांट हैं, तो ये अपने आप ही सीड गिर गिर कर हर जगह मेरे घर में ग्रो होते रहते हैं। और यहाँ देखिए एक इंसुलिन का छोटा सा प्लांट लगा है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत होती हैं इसकी पत्तियाँ। तो अभी बेस्ट टाइम है, आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, इजली इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है और बहुत ही आसानी से आप इतनी ऊपर की टिप ले लेकर के कटिंग इनकी लगा दीजिए तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे कुछ हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत से। और ये देसी हिबिस्कस है, इसको भी मैं थोड़ा सा प्रून करने वाली हूँ इस प्लांट को। बहुत ज़्यादा इसकी देखी ब्रांच कितनी ज़्यादा ऊपर तक हो गई है, और मैंने सारे कटिंग से ही लगाए थे ये प्लांट अपने। और यहाँ पर भी देखिए इसकी फ्लावर्स, ऐसा लग रहा है अडेनियम में फ्लावर्स खिला हो, क्योंकि बिल्कुल ब्रांच आके अडेनियम में रख गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा देखिए डबल पेटल का फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर ये मिनेचर फ्लावर्स हैं, मिनेचर वेराइटी के हिबिस्कस हैं और इनमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत सारे इनमें रोज़ फूल, पांच छह फूल रोज़ खिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ ऊपर में भी देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, कल भी बहुत सारे फूल खिले हुए थे। तो ये यहाँ से प्लांट मेरे सारे ऐसे दिखते हैं। और यहाँ तो हाइब्रिड विंड का है क्योंकि तो बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। ये देखिए ये सारे मेरे विंड का ही हैं। इधर मैंने सारे अडेनियम रखे, इनमें फिर से देखिए कलियाँ यहाँ पर आना स्टार्ट हो रही हैं धीरे धीरे। और एक बार ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर चुके हैं तो अभी थोड़ा सा रेस्ट पीरियड लेते हैं, उसके बाद फिर इनमें फ्लावरिंग होती है। तो यहाँ पर सारे विंका ही हैं। ये पेंटास है, पेंटास भी बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही, पहले से काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी खिल रहे हैं अभी। और यहाँ पर ये पिंक कलर के पेंटास है जिनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और यहाँ देखिए ये हाइब्रिड विंका है, सॉरी देसी विंका है। और ये कुछ जीनिया के प्लांट है, जीनिया के फ्लावर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज कलर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इधर ये सारे मेरे हाइब्रिड विंका हैं, देखिए बहुत अच्छे से ब्लूम्स होते हैं ये। बस इनको थोड़ा सा रेनी सीजन में बचाना होता है, तभी ये बच पाएंगे, नहीं तो फिर ही ख़राब हो जाते हैं प्लांट। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपके यहाँ बारिश से ही स्टार्ट हो गई है तो आप इनको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर थोड़ा बारिश के पानी से इनको बचाया जा सके, और नहीं तो आप इनकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से इतनी टिप ले करके कटिंग आप लगा दीजिए और सैंडी सॉइल में लगाइए, जो भी कटिंग आप लगाइए, एक भाग सैंड और एक भाग कंपोस्ट। और यहाँ पे देखिए कोक्सकॉम का फ्लावर, ये काफ़ी दिनों तक, एक बार फ्लावर खिलता है तो उसके फ्लावर बहुत दिनों तक टिके रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ मेरा देखिए एक हाइब्रिड हिबिस्कस है जो कि बहुत ज़्यादा, यानी पूरा प्लांट मेरा ख़राब हो गया था, इसकी पत्तियाँ पूरी येलो हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा अच्छे से फर्टिलाइज़र दिया है और थोड़ा इसकी मिट्टी को एसिडिक करने के लिए मैंने इसमें एक फिटकरी का टुकड़ा भी रखा हुआ था। तो अब देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है, बहुत अच्छे से प्लांट मेरा हेल्दी हो गया बिल्कुल। बस इसमें कुछ दिन में कलियाँ आने वाली हैं। यहाँ पर देखिए एक बालसम का प्लांट है मेरा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से फ्लावर इनमें आते हैं और सुबह टाइम बिल्कुल फ्रेश रहते हैं इनके फ्लावर। अभी देखिए थोड़ा सा मुरझाए हुए से लग रहे होंगे, तो धूप काफ़ी तेज़ हो रही है इस समय, तो बारिशें भी नहीं हो रही, बिल्कुल बारिशें बंद सी हो गई हैं। दो तीन बारिशें हुई उसके बाद से बारिशें ही बंद हो गई हैं। और ये देखिए, और ग्रास ऊपर का अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है गार्डन में, देखिए सारी पत्तियों को बिल्कुल खा जाते हैं। तो मेरे पास तीन कलर के बालसम हैं, ये देखिए एक पिंक है और ये वाला प्लांट भी पिंक कलर के फ्लावर्स इनमें आते हैं। देखिए इनके फ्लावर का साइज और खूबसूरत, यानी डबल पेटल्स का फ्लावर है, इसमें एक सिंगल पेटल का भी फ्लावर आता है, तो ये डबल पेटल वाले बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पर देखिए एक वाइट कलर का है, ये भी डबल पेटल का फ्लावर है, और एक मेरे पास रेड है जो कि मेरा थर्ड फ्लोर पर रखा हुआ है। इधर सारे एक लीफा के प्लांट है, ये देखिए, और ये ड्रेसिना, ये क्रोटोन, और जितने भी प्लांट मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं सारे मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। इधर ये अरेलिया है, देखिए ये अरेलिया के प्लांट हैं, इधर भी दो तीन प्लांट लगे हुए हैं। और जो इसका मदर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इधर थूजा का प्लांट है, मोरपंख का। तो ये देखिए ये मेरा अरेलिया का प्लांट है, इसको मैंने बिल्कुल फुल सनलाइट में रख दिया, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल देखिए येलो येलो सी हो गई हैं।
और क्योंकि छाया वाली जगह नहीं है बिल्कुल भी रखने के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। और देखिए इसकी पत्तियाँ भी बर्न हो रही हैं, पूरे समर ये यहीं पर रखा हुआ था फुल सनलाइट में, और काफ़ी अच्छा। इसको मैं इधर से आप प्रून कर दूँगी तो जो नीचे से देखिए ग्रोथ हो रही है, काफ़ी अच्छी हेल्दी ब्रांच निकल कर आ रही हैं। और यहाँ पर देखिए एक मोरबंक का प्लांट है, जो कि इतने ज़्यादा सीड पॉड इसमें बन गए हैं, जिनको कॉर्न भी बोलते हैं, इनके अंदर ही सीड फिर बनते हैं। तो बहुत सारे देख, तो मैं देखूँगी अगर इनसे सीड निकल जाएंगे और फिर मैं उनको ग्रो भी करके देखूँगी मेरे से जर्मिनेशन इनकी होती है या नहीं, तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत सारे सीड पॉड बन रहे हैं देखिए, और प्लांट मेरा काफ़ी लगभग 5-6 साल पुराना है, काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है और बहुत ही अच्छा बूसी लुक दे रहा है ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से मैं दूर से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और बिल्कुल छोटे से, बहुत बड़े कंटेनर में भी नहीं लगाया मैंने ये देखिए, बिल्कुल ये मेरा 15 लीटर का एक डिब्बा था उसी मैंने इसको लगा कर रखा हुआ है, उसको भी हाफ कट कर दिया था मैंने। तो ये देखिए इस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पर देखिए मेरा एक पान का प्लांट है, जो कि बिल्कुल मर गया था, अभी मैंने फिर से इसको थोड़ा सा ठीक से बांध के और थोड़ा फर्टिलाइज़र दिया, तो देखिए इसकी नई नई ग्रोथ कितनी अच्छी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल से रोज़ खिले हुए हैं, रोज़ में बहुत सुंदर से फ्लावरिंग हो रही है, और अभी बस मैंने इनको कुछ दिन पहले ही फर्टिलाइज़र दिया है और अभी इनकी ग्रोथ अभी स्टार्ट होगी। ये तो पहले से ही कलियाँ आई हुई थी इनमें, तो वो खिली हुई हैं, ये देखिए न्यू ब्रांच निकली है, और कितना प्यारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मेरे और प्लांट्स पे देखिए न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से हैं। यहाँ पर भी एक कली आई हुई है बहुत सुंदर सी, ये देखिए और कितनी हेल्दी इसकी पत्तियाँ हैं, और ये सारी बहुत सारी कलियाँ देखिए एक साथ आ रही हैं सब जगह, देखिए बिल्कुल बंचेस में कलियाँ आती हैं इस प्लांट में मेरे, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और बिल्कुल फर्टिलाइज़र देने के बाद इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी हुई है। किसी ने मुझे बोला भी था कि मैं फर्टिलाइज़र के बाद अपनी अपडेट तो अपने प्लांट्स की, तो ये देखिए इस तरह से मेरे प्लांट यानी हो रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए कितना सुंदर ब्लूम्स हो रहा है ये फ्लावर, और सभी में न्यू न्यू कलियाँ यानी कलियाँ तो आ रही हैं, ब्रांच भी साथ में निकल रही है, देखिए न्यू ब्रांच स्टार्ट हो गई हैं निकलने, और काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसको मिला। तो ये यहाँ पर देखिए ये मेरे देसी रोज है, मिनिएचर वेराइटी के, बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर इनमें आते हैं ये देखिए इस तरह से, और बहुत जल्दी इनमें झड़ भी जाते हैं, देखिए अभी से झड़ना स्टार्ट भी हो गए, पूरे बंच में आए हुए थे फ्लावर इनमें, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत से फ्लावर होते हैं। और ये देखिए कितनी सारी अभी कलियाँ निकलने वाली हैं यहाँ पर, और इसी तरह से ये पूरा मिनिएचर रोज है, ये छोटे छोटे से फ्लावर इनमें आते हैं पिंक कलर के, देसी वेराइटी के हैं ये सारे, और काफ़ी ज़्यादा ब्लूमिंग होती है इनमें, बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो इस तरह से मेरे रोज़ प्लांट खिल रहे हैं, रेड कलर के रोजेस बहुत प्यारे हैं ये देखिए। और यहाँ देखिए रोज़ में इस तरह से फ्लावर आ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी बिल्कुल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, और फ्लावरिंग तो काफ़ी अच्छी हो रही है, पर इनके फूल बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इन्होंने ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर ली, देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, हर ब्रांच पर कलियाँ आ रही हैं। इधर ये अपराजिता का प्लांट है, और मेरे पास अपराजिता के बहुत सारे प्लांट हैं, और रोज़ में एक ये देखिए कितनी सुंदर ब्रांच गई है, और यहाँ पर फ्लावर भी आ रहे हैं। और ये देखिए ये देसी रोज है मेरे, इनमें भी खूब सारी कलियाँ आ रही हैं बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कनेर, कनेर बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, खूब सारे फूल इनमें, बहुत सारे फूल आए रहते हैं सुबह टाइम पर। इधर ये मेरे सारे चंपा के प्लांट हैं, इनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, लेकिन आज फिर इनमें फूल सारे झड़ गए हैं, ये देखिए इस तरह के फ्लावर इनमें आते हैं, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आए हुए हैं, और इसने तो बस ग्रोथ बस की है अभी तक में, पता नहीं इसको नाइट्रोजन ज़्यादा मिल गया है इसलिए इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फैल रहा प्लांट मेरा पूरा। और जो मैंने कटिंग से वो ग्रो किया था वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, बस अब देखते हैं कब तक मेन फ्लावरिंग होने वाली है। और ये देखिए और यहाँ पर मैरीगोल्ड अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं इनमें भी। और यहाँ पर देखिए मेरे हिबिस्कस, हिबिस्कस में खूब सारे फूल आए रहते हैं आज, लेकिन कम क्वांटिटी में आए हैं। और एक देखिए ये ऑरेंज कलर का हिबिस्कस है, बहुत बड़े बड़े से फ्लावर इनमें आते हैं बहुत प्यारे से, और खूब सारे इनमें भी फ्लावर्स आते रहते हैं।
इस तरह से फ्लावर आते हैं। तो मेरे पास दो तीन कलर के हिबिस्कस हैं, दो प्लांट मेरे हाइब्रिड हैं, और ये देखिए ये चांदनी है, डबल चांदनी का प्लांट है ये, और इसमें इस तरह से फ्लावर आते हैं। और देखिए बंच में कितनी सारी कलियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। ये सारे मेरे कोचिया के प्लांट हैं जो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं सारे। और इधर ये बालसम, बालसम मैंने आपको दिखाया है अपने सेकंड फ्लोर पे, दो कलर के, एक पिंक और एक वाइट, और ये देखिए तीसरा रेड कलर, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। और इसके फ्लावर देखिए कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, एकदम रोज़ की तरह इनके फ्लावर हैं। और ग्रासोपर ने कितना ज़्यादा अटैक किया हुआ है, देखिए पूरे पत्तियाँ खा रहे हैं बिल्कुल से। तो मैंने एक बार काफ़ी दिन पहले इनमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया था, लेकिन अभी नहीं किया है, और वो जा भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों उनको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। इधर देखिए देसी सदाबहार है, यहाँ पे मैंने फंगिसाइड का स्प्रे भी किया हुआ था कल परसों। ये मेरा एक देसी हाइब्रिड विन का है। और यहाँ पर देखिए देखिए मेरा कनेर में फ्रूटिंग भी हो रही है, इससे सीड बन जाते हैं, सीड से बहुत ही आसानी से प्लांट ग्रो हो जाता है। और यहाँ पर देखिए रेन लिली के प्लांट हैं जो कि आज फ्लावर्स नहीं आए हैं इनमें, ये देखिए इनके सीड इस तरह से बन जाते हैं। तो ये देखिए अब इनको किसी भी गमले में डाल देंगे तो सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, नहीं तो वैसे तो बल्ब से इनको लगाया जाता है रेन लिली को। और ये देखिए कनेर में कितनी ज़्यादा यानी कलियाँ आई हुई हैं बंच में पूरी, बहुत सुंदर इनमें फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर सारे मेरे पर्सलेन हैं जो कि बहुत दिनों से लगभग फरवरी मार्च से खूब ज़्यादा ब्लूमिंग पर है, खूब ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। और यहाँ पर ये बटर कप के फ्लावर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इनकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर लगती हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी किसी पेस्ट ने अटैक किया हुआ, ये देखिए छोटे छोटे से, ये दिखाती हूँ आपको, ये पूरी पत्तियों को खा गए हैं और बहुत ज़्यादा यानी लगे हुए, तो इसको भी मैं फेंक दूँगी तोड़ करके। और यहाँ पर देखिए ये बटरफ्लाई कितना ज़्यादा घूम रही बिल्कुल। और जो पुदीने के फूल खिले हुए हैं इनमें दिन भर भंवरे, हनी बीज और बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो वैसे तो सभी फूलों में आते हैं लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा ही बैठती हैं। देखिए कितने ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है पुदीने के प्लांट में मेरे, यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए पूरा फूलों से भरा हुआ है प्लांट एकदम, और बहुत सुंदर से वाइट कलर के इसके फ्लावर बहुत अच्छे दिखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये भी। और यहाँ पर एक पीवीसी पाइप में लगा हुआ मेरा पर्सलेन, ये देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, नीचे से ऊपर तक पूरा भरा हुआ है फूलों से, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये। यहाँ पर सारे पर्सलेन ही हैं, इधर कुछ कोचिया के और प्लांट हैं। और इस समय गार्डन में बहुत कम फ्लावर्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी कम क्वांटिटी में। ये देखिए कैने लिली कितने सुंदर से फूल हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं इनके फूल भी। और यहाँ पर देखिए मोगरा, मोगरा बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं और पहले से कम हो गई बस इनकी फ्लावरिंग, देखिए सभी में फिर से मैंने कुछ इनकी ब्रांच जो थी कट कर दी है। और देखिए स्पाइडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा, स्पाइडर का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है मेरे गार्डन में, तो चलता रहता है धीरे धीरे सब कुछ। ये इस तरह से देखिए देसी हिबिस्कस हैं जो कि बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अपराजिता की बेल है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है, यहाँ पर पूरे इसने प्लांट को कवर कर लिया है, तो मुझे इसको भी निकालना पड़ेगा नहीं तो मेरा हिबिस्कस का प्लांट फिर पूरा दब जाएगा इसकी वजह से। ये देखिए कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है इसमें। और कुछ सनफ्लावर के प्लांट हैं जो कि प्लांट ख़राब हो गए हैं, इन सबको मैं निकाल कर हटा दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे मैक्सिकन पिटूनिया कितना ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग पर रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावर्स आते हैं, पूरा प्लांट मेरे फूलों से भरा रहता है, और इसके सीड गिर गिर कर इतने सारे प्लांट मेरे घर में पूरे गार्डन में हो गए हैं। यहाँ पर देखिए बटर कप में कितने सारे यानी फूल आए हुए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, अलवंडा की तरह इनके फ्लावर्स दिखते हैं, बस उनसे थोड़ा साइज छोटा होता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और अपने आप ही देखिए जितने भी प्लांट मेरे ग्रो हुए हैं पूरे गार्डन में सारे अपने आप ही हुए हैं। यहाँ पर बेल की मैंने कटिंग कर दी थी, और ये देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई जो आती है ऐसे अंडे रख के चली जाती है और फिर ये छोटे छोटे से लार्वा बन करके इस तरह से पूरी पत्तियों को खा जाते हैं बिल्कुल से, तो मैं इन सबको कट करके हटा दूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैंने अभी अभी इसको प्रूनिंग की थी कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी अच्छी अच्छी सी मिलेंगी मुझे, तो ये देखिए इस तरह से पूरे गार्डन में मेरे इन्हीं का अटैक हो जाता है और पूरी पत्तियों पर बिल्कुल खा के ख़त्म कर देते हैं एकदम से। तो देखिए कितने जल्दी इन्होंने छोटे छोटे से थे और इतनी पत्तियाँ, ये देखिए यहाँ पर भी अंडे रखे हुए हैं, आपको फोकस नहीं कर पा रही थोड़ा सा, ये देखिए तो मैं इनको भी हटा दूँगी यहाँ से। तो और यहाँ पर जो बालसम मैंने आपको दिखाए थे ये देखिए आज और ज़्यादा इनमें फ्लावर्स आए हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और ये वाइट कलर के भी।
तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। तो यहाँ से मेरा गार्डन इस तरह से दिखता है, काफ़ी कम हो गई पहले से फ्लावरिंग। मेरे विनका के प्लांट कुछ ख़राब भी हो गए हैं और कुछ तो ठीक ठाक चल रहे हैं। ये देखिए, कुछ में फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। कुछ ब्रांच मेरी गल गई थी तो जिनको मैंने सबको कट करके कुछ कटिंग भी लगा ली है और कुछ हटा दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।